Ridu, say hi. Good morning. Monday, guess. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का समय है और रिधु स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका है और गेट पे खड़ा है। बाबा उसकी गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं उसको लेके जाने के लिए। और बारिश का मौसम बहुत तेज़ हो रखा है, तो मैं उसको वही बोल रही थी कि प्लीज़ जल्दी निकलो वरना बारिश हो जाएगी, फिर आप भीग जाओगे। तो रिधु को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं अंदर आई और मैंने अपना काम स्टार्ट किया, झाड़ू पोछा किया, उसके बाद नहा के पूजा करके मैं किचन में आई हूँ और फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है। एक साइड मैंने सब्ज़ी बनने रखी है, साथ ही में चाय भी बनने रखी है। और चाय मैंने चाय वाले पैन में नहीं बनाया है क्योंकि सारे बर्तन जूठे हैं और मेरे जो हाउस हेल्पर है उसका अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है कहाँ पे है, कब तक आने वाली है, इसलिए मैंने चाय इसमें बनाया है। क्योंकि शाम को दो बार चाय बन गई थी, सुबह भी बन चुकी थी, तो सारे बर्तन ऑलमोस्ट जूठे थे। अच्छा भी नहीं लगता है, बर्तन जूठे पड़े रहते हैं, इधर सब काम होता रहता है। तो आज काफ़ी लेट आई थी वो, फिर आने का तो अपना बर्तन में धो के गई है और इधर मैं अपना खाना बना रही थी और साथ ही में लोग का टिफ़िन भी पैक हो रहा था। टिफ़िन बस हिमांशु का ही पैक करना था क्योंकि सोनू आज घर पे ही थे, आज उन्होंने छुट्टी ली थी और छुट्टी इसलिए ली थी क्योंकि उनको फीवर था। मैंने आपको कल बताया था कि जल्दी आ गए थे क्योंकि तबीयत ख़राब थी और सोनू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फीवर बहुत ज़्यादा था और आजकल वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत ही गंदा फीवर चल रहा है, इतना पेन बॉडी में रह रहा है, इतना ज़्यादा पेन रह रहा है। तो आज मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, फीवर बहुत ज़्यादा है, पेन भी बहुत ही ज़्यादा है, आप मेरा फेस देख के आइडिया लगा ही सकते हैं। और गला तो देख रहे हैं अभी तक बैठा ही हुआ है थोड़ा सा, अब पहले से बेटर है और इसलिए बस हिमांशु का ही टिफ़िन पैक हो रहा है। और फिर मैंने अपना सारा काम वाम करके मैं गई, थोड़ा सा मैंने आराम किया क्योंकि ज़्यादा एक बार में सब नहीं हो पा रहा है। और साथ में आशी को भी थोड़ा सा हैंडल करना है क्योंकि उसकी भी बुआ की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, वो भी ठीक नहीं है, वरना वही अच्छे से उसको संभाल लेती है, मेरे पे इतना लोड नहीं पड़ता है। तो मेरे पे थोड़ा सा लोड पड़ रखा है क्योंकि उसकी बुआ थोड़ी सी बीमार चल रही हैं, तो आशी को भी संभालना पड़ रहा है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम वराम किया तो शाम को पता चला कि घर पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं और यहाँ पे मम्मी शाम को पूजा कर रही हैं, संध्या आरती कर रही थी। और इसके बाद फिर मेहमान जो आए थे वो थे गांव से, मौसा मौसी आए थे, मतलब मम्मी की बहन आई थी, तो वो लोग आने वाले थे। तो हम लोग को लास्ट टाइम पे पता चला कि वो लोग आने वाले हैं, कुछ काम से आए थे तो बोले कि आ जा रहे हैं हम वहाँ पे, तो आए थे। फिर अभी सोनू सब्जियाँ लेकर आए थे तो वही निकाल के बाहर रखे थी और अभी वो लोग आ चुके हैं। मैंने उन लोग को कुछ भी शूट नहीं किया पाई क्योंकि वो लोग गांव से आए हैं, उन लोग को थोड़ा सा ऐतराज़ हो सकता था, इसीलिए मैंने कुछ भी उन लोग का शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं उन लोग के लिए फटाक से मैंने चाय बनने रखी है और पानी वगैरह मैंने उन लोग को दे दिया है। और फिर मम्मी सब्जी काट रही थी उन लोग के लिए बनाने के लिए, तो मैं इधर खाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी, मैंने दाल बनने रख दी थी, दाल मेरी बन भी चुकी है और सब्ज़ी बना रही थी, सब्ज़ी में गोभी की बना रही थी और आलू की भी बनाई है। तो सब्जियां भी मेरी साथ साथ बन रही थी और ये मैंने फ्राई करके रख लिए थे और इधर मैं दाल फ्राई कर रही थी तो उसकी भी तैयारी चालू थी क्योंकि जल्दी जल्दी कर लो तो फटाफट किचन से मैं फ्री हो जाऊँगी, इसलिए यही सोच के मैं फटाफट कर रही थी, पर ऐसा नहीं हो पाता है, जो सोचो वो हो नहीं पाता है। तो बस मेरा यहाँ पे हो चुका है, दाल फ्राई बस करनी बाकी, दाल फ्राई करनी थी और बस मुझे रोटियाँ बनानी थी। तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, दाल बन चुकी थी, दूसरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी और दाल फ्राई करने के बाद फिर मैंने आटा गूँधा और आटा गूँधने के बाद मैंने रोटियां बनाई थी। और यहाँ मेरा पूरा खाना बन चुका था, तब तक हिमांशु आया है और बारिश थोड़ी सी हुई थी तो हिमांशु भीग गया था, तो उसको चाय पीनी थी, फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई। और यहाँ पर रिधु मुझे परेशान कर रहा था क्योंकि रिधु अपनी आदत से मजबूर है और उसको हमेशा शाम को ही होमवर्क आ जाता है, शाम को भी नहीं, हमेशा 8 बजे के बाद जब मैं किचन में बिज़ी होती हूँ, तो आके बार बार परेशान कर रहा था। तो वही मैं उसको डांट रही थी कि इस टाइम आप होमवर्क कर रहे हो, मेरा पूरा ध्यान उधर रहेगा, उधर मैं नहीं करवा पाऊँगी।
वही गुस्सा होकर वो भी चला गया था, फिर उसको भी मनाना पड़ा मुझे, क्योंकि बच्चे गुस्सा होकर बैठ जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो उसी में जाके उसको मनाना भी पड़ा। फिर उसको बीच में जाके मैंने थोड़ा सा होमवर्क भी कराया 15 मिनट का ब्रेक लेके, फिर मैं आई उसके बाद, फिर मैंने रोटियाँ बनाना स्टार्ट की, और उसके बाद गोलू आई, गोलू को मैंने बुलाया कि अगर आ सको तो आ जाओ, मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी। तो फिर उसने सबको खाना सर्व किया, और यहाँ पे मैं आशी और रितु को खाना लेके आई थी खिलाने के लिए। क्या बनाए हो आशी जो? ड्राइंग की थी, फर्स्ट टाइम की थी, पर काफ़ी बेटर थी, तो मैं उसी को अप्रिसिएट कर रही थी। और एक ड्राइंग उसकी मैंने की थी, उसके स्कूल का होमवर्क था जो, तो वो मैंने उसका बनाया था। और यहाँ पे टाइम हो रहा है 2, जो कि आशी बेड पे चढ़ रही है सिखाने पे, और इनकी हालत उस बिल्कुल बात नहीं आती है, इसका डेली का यही नाटक रहता है, पता नहीं कभी सोएगी मुझे क्या हुआ। तो इसके लिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग सो जाइए, और मैं इसी सपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। बाय बाय।